जब धर्म का पतन, सच्चाई का ह्रास और अधर्म का उदय हो, तब समझो कि कलियुग का आगमन हो चुका है। भविष्य पुराण में कलियुग की ऐसी ही सटीक भविष्यवाणियां दर्ज हैं, जो आज के समय में सत्य प्रतीत होती हैं। यह पुराण हमें न केवल चेतावनी देता है, बल्कि हमारे आत्मा को झकझोरता है कि कलियुग में जीवन की विकृतियां किस प्रकार हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारी आत्मा को प्रभावित करेंगी। धर्म और सत्य का ह्रास, भविष्य पुराण के अनुसार कलियुग का सबसे बड़ा लक्षण है धर्म का ह्रास। सच्चाई की जगह झूठ और अधर्म का बोलबाला होगा। लोग केवल अपने स्वार्थ और भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। पुराण में कहा गया है कि सत्य, दया और सहनशीलता जैसे गुण दुर्लभ हो जाएंगे। मनुष्य एक दूसरे का अपमान करेंगे, उनका विश्वास टूटेगा और हर कोई अपनी भलाई के लिए किसी को भी धोखा देने से नहीं चुकेगा। यह युग ऐसा होगा जहां धर्म के नाम पर केवल आडंबर रह जाएगा, सच्चाई का कोई मोल नहीं बचेगा। परिवार और सामाजिक संबंधों में गिरावट, भविष्य पुराण कहता है कि कलयुग में पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते खोखले हो जाएंगे। माता पिता और संतानों में प्रेम कम और वैमनस्य अधिक हो जाएगा। भाई भाई से, संतान माता पिता से और पति पत्नी के बीच भी ईर्ष्या और क्रोध का माहौल रहेगा। परिवार का मर्म समाप्त हो जाएगा और लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए रिश्तों की बलि चढ़ा देंगे। एक ऐसा समय आएगा जब परिवार के लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी परायों की तरह व्यवहार करेंगे। अत्यधिक भौतिकता और आडंबर का युग, भविष्य पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। हर व्यक्ति धन, प्रतिष्ठा और बाहरी दिखावे के पीछे भागेगा। समाज में ऐसा माहौल बनेगा जहां व्यक्ति केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी असली पहचान छिपाएगा और दिखावे का जीवन जिएगा। लोगों का जीवन केवल बाहरी रूप से सुंदर दिखने में ही व्यतीत हो जाएगा, जबकि उनके भीतर खोखलापन रहेगा। धर्म का भी केवल आडंबर बचेगा, जिसमें सच्चाई का कोई स्थान नहीं होगा। प्राकृतिक आपदाएं और वैश्विक संकट, भविष्य पुराण में प्राकृतिक आपदाओं की स्पष्ट भविष्यवाणियां की गई हैं। यह कहा गया है कि कलियुग में भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बार बार होंगी। यह सभी प्रकृति का असंतुलन दर्शाती हैं। यह वह समय होगा जब मनुष्य अपने लाभ के लिए प्रकृति का अत्यधिक शोषण करेगा और परिणामस्वरूप यह आपदाएं मानवता को त्रस्त कर देंगी। आज की स्थिति में ये भविष्यवाणियां सही प्रतीत होती हैं, जहां हर साल नई नई आपदाएं आती रहती हैं, जो हमारे पापों का परिणाम है। बुद्धि और शिक्षा में पतन, भविष्य पुराण बताता है कि कलियुग में शिक्षा केवल पैसा कमाने का साधन बनकर रह जाएगी। शिक्षा का उद्देश्य समाज में ज्ञान और नैतिकता फैलाना था, परंतु कलियुग में यह उद्देश्य लुप्त हो जाएगा। ज्ञान को अपार धन और विलासिताओं का माध्यम माना जाएगा और शिक्षकों का सम्मान कम होता जाएगा। इस समय शिक्षा प्रणाली एक व्यवसाय बन जाएगी, जहां केवल धन के पीछे भागा जाएगा और नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जाएगा। यह भविष्यवाणी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कठोर सच्चाई को उजागर करती है। विज्ञान और तकनीकी का गलत दिशा में उपयोग, कलियुग में विज्ञान और तकनीक का भी गलत उपयोग किया जाएगा। मशीनों और यंत्रों पर मानव निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्यों की भावनाएं कहीं खो जाएंगी। भविष्य पुराण में इस प्रवृत्ति की भविष्यवाणी करते हुए कहा गया है कि मनुष्य अपने सुखों के लिए विज्ञान का ऐसा उपयोग करेगा जो अंततः उसे ही विनाश की ओर ले जाएगा। आज की सोशल मीडिया की संस्कृति और मशीनीकरण का दुष्परिणाम यह है कि लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, आत्मीयता और संवेदनाओं की कमी हो रही है। साधुओं और धार्मिक गुरुओं का पतन, भविष्य पुराण में साधुओं और धार्मिक गुरुओं के पतन की भविष्यवाणी की गई है। यह बताया गया है कि कलियुग में साधु और संत केवल नाम के रहेंगे, वे धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देंगे। आडंबर, दिखावे और माया के पीछे भागने वाले ये धर्मगुरु सच्चे धर्म से कोसों दूर होंगे। वर्तमान में कई धार्मिक नेता जो धर्म का नाम लेकर अपना स्वार्थ साधते हैं, इस भविष्यवाणी की पुष्टि करते हैं। आज धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने वाले ऐसे व्यक्ति समाज के पतन का कारण बनते जा रहे हैं। अपराध, हिंसा और अराजकता में वृद्धि, कलियुग में अपराध और हिंसा अपने चरम पर होंगे। न्याय प्रणाली का पतन होगा और कानून का पालन करने की जगह लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। भविष्य पुराण में कहा गया है कि कलियुग में मनुष्य के भीतर की करुणा और दया समाप्त हो जाएगी और वह केवल अपने स्वार्थ के लिए हिंसा और अराजकता को अपनाएगा। आज की दुनिया में बढ़ते अपराध और सामाजिक अस्थिरता इस भविष्यवाणी को सच साबित करती हैं। कलियुग के अंत की भविष्यवाणी, भविष्य पुराण में कलियुग के अंत की भी भविष्यवाणी है। यह कहा गया है कि एक समय आएगा जब अधर्म, असत्य और भ्रष्टाचार अपने चरम पर होंगे और तब सतयुग का पुनः आगमन होगा।
यह वह समय होगा जब धरती फिर से शुद्ध होगी, लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे और सच्चाई और शांति का युग वापस आएगा। यह भविष्यवाणी अंततः हमारे भीतर आशा की एक किरण जगाती है कि चाहे कलयुग कितना भी कठिन हो, सत्ययुग का आगमन निश्चित है। भविष्य पुराण में वर्णित ये भविष्यवाणियां हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमने धर्म और सत्य का साथ नहीं दिया तो कलयुग का प्रभाव हमें भीतर से खोखला कर देगा। कलयुग के कठिन समय में भी हमें अपने धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। यह पुराण हमें सिखाता है कि चाहे समय कितना भी विकट क्यों न हो, हमें अपने जीवन में अच्छाई का पालन करना चाहिए ताकि हम कलयुग की कठिनाइयों से पार पा सकें। इस तरह भविष्य पुराण की ये भविष्यवाणियां न केवल हमारी आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाती हैं, बल्कि हमें इस अंधकारमय युग में भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।